हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, एक उपाय लेकर आई हूँ, एक टोटका लेकर आई हूँ अपने प्यार को अपने जीवन में वापस लाने का। अगर आपका प्यार आपसे दूर हो गया है, अगर आपके प्यार से आपकी शादी नहीं हो पा रही है, अगर आपके प्यार में कोई समस्या आ रही है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, थर्ड पार्टी इंक्लूड हो गई है, प्यार में बहुत सारी दुविधाएं हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, प्यार दूर हो गया है, ब्लॉक कर दिया है, छोड़कर चला गया है, शादी का रिश्ता टूटने वाला है, शादी टूटने वाली है, पत्नी छोड़ के चली गई, पति छोड़ के चला गया, मतलब प्यार से रिलेटेड जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन आज के वीडियो में आपको मैं देने वाली हूँ। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को भी हिट करना है, ताकि इसी तरह के कई सारे हेल्पफुल वीडियोस मैं आप लोगों को पहुंचाती रहूं, आपको मिलते रहें, आप इसी तरह से चैनल पर आते रहें, वीडियोस को देखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो उपाय है इसमें हमें लेना है एक सफेद रुमाल ही लेना है। प्रिंटेड होगा चलेगा, सफेद पे कोई प्रिंट बनी हुई है तो चलेगा, पर प्लेन सफेद लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, रुमाल आपको ले लेना है। रुमाल में आपको एक पर्ची लिखना है, ठीक है, एक स्लिप हमें लिखना है। स्लिप में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक हर्ट बनाना है। ठीक है, एक पर्ची हमें, एक कोरा कागज ले लें, ठीक है, उसमें एक हर्ट बनाए, लाल कलर के पेन से एक हर्ट बनाना है। हर्ट में सबसे ऊपर आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, आपका नाम, मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेकर बताती हूँ आपको, आराधना। आराधना के बाद में आपको लिखना है विनस। ठीक है, आराधना मतलब मेरा नाम है, आप अपना नाम लिखें, बॉय हैं, गर्ल हैं, जो भी हैं आप, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद में आपको लिखना है विनस, VENUS, विनस। उसके नीचे अपने पार्टनर का नाम लिखना है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको हर्ट के अंदर लिखना है। अब इस स्लिप को आप 3 फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, 3 बार फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद में आप इसे अपने हाथ में रखेंगे स्लिप को, और फिर आपको हाथ में रखने के बाद में ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ऐसा 3 बार बोलना है। और फिर आपको कहना है, हे भगवान, हमारे प्यार में मैं इससे, आपका जो भी पार्टनर है उसका नाम लेंगे, हे भगवान, मैं अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती हूँ, हमारे रिश्ते में ये समस्या आ रही है, जो समस्या आ रही है वो आपको कह देनी है, आप प्लीज इस समस्या को जल्द से जल्द दूर कर दीजिए, और आपको एक फूंक मारना है। ठीक है, अब इस पर्ची को आपको अपनी मुट्ठी में लेके, वो जो हमने सफेद रुमाल लिया है उस रुमाल में आपको इस पर्ची को बांध देना है। ठीक है, रुमाल के बीचों बीच रखना है, रुमाल पर गठान बांध देना है। गठान बांधने के बाद में इस रुमाल को आपको ऐसी जगह छुपा देना है जहां पर आपकी नजर भी ना पड़े। ठीक है, मतलब ऐसी जगह छुपा दे जहां पर कोई भी इसे देख ना सके, आपकी भी नजर ना पड़े। ठीक है, चाहे आप आपके घर के बेड के अंदर छुपा दें, कहीं गड्ढा खोद के छुपा दें, कहीं गमले में छुपा दें, कहीं रेक पर फेंक दें, यहाँ पर कहीं ऐसी जगह पर छुपा दें जहाँ पर कोई भी देख ना सके। कितने दिन के लिए छुपाना है? 31 दिनों के लिए, 31 डेज के लिए आप इसे छुपा देंगे। 31 डेज के बीच में ही आपके प्यार में जो भी समस्या आई है वो दूर हो जाएगी। सामने वाले ने अगर ब्लॉक कर दिया, वो आपको खुद ब्लॉक खोल देगा, सामने वाला आपसे खुद कांटेक्ट करेगा, आपके प्यार में जो भी उलझन थी, जो भी परेशानी थी, वो खुद दूर हो जाएगी और सामने वाला खुद आप तक पहुंच जाएगा। आप खुद देखेंगे, आपको एक चमत्कार होता हुआ दिखेगा, और आपको जब चमत्कार जिस दिन दिखेगा, अभी मुझे प्रॉमिस करें, जैसे ही आपको चमत्कार दिखेगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही मिरेकुलस ये टेक्निक है, आप इसे ज़रूर करें, बहुत ही कारगर उपाय है। और जब आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाए तब आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय।